जहाँ भी कोई दिक्कत होगी वहाँ से हमारा पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एताना था, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई बड़ी ट्रेजडी नहीं होने देंगे। गांव नखलोता में शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे गांववासी सब इकट्ठे होकर और जिला पंचायत द्वारा यहां पर हमने एक शिविर का आयोजन किया गया है। भंडारे का भी आयोजन हमारे गांववासियों द्वारा किया गया है। सुलभ शौचालय और उनके खान पान का, स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखा गया है, कोशिश की है, प्रयास किया है अपने माध्यम से। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा मंदिर तो रोज ही जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। वैसे तो इस कावड़ यात्रा में हमने आपको दिखाया कि पूरी कावड़ पटरी पर जगह जगह बहुत से सेवा शिविर लगे हुए हैं। सब धर्म और समस्त लोग यहां पर लगे हुए हैं कावड़ियों की सेवा के लिए। और इसी क्रम में आज हम लखनौता में मौजूद हैं, जहाँ पर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी जी द्वारा यहां पर एक सेवा शिविर लगाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत से कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं कांवड़ियों के सेवा के लिए। तो अब यहां पर जो अध्यक्ष जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी किरण चौधरी और अंशुल चौधरी जी से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं कांवड़ियों की सेवा के लिए। हमारे बीच अंशुल चौधरी जी मौजूद हैं। जी सर, आज यहाँ सेवा शिविर का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद करूँगा। और आज यहाँ पर गांव नखलोता में शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे गांववासी सब इकट्ठे होकर और जिला पंचायत द्वारा यहाँ पर हमने एक शिविर का आयोजन किया गया है। भंडारे का भी आयोजन हमारे गांववासियों द्वारा किया गया है। इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी आए हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? हमने सुना मंदिर में जाया जाएगा जल अभिषेक करने के लिए। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नखलोते चौराहे से लेके मान के मंदिर पर वो जल अभिषेक करने जाएंगे। अभी देखते हैं माननीय अध्यक्ष जी हमें क्या दिशा निर्देश करते हैं, उनके साथ साथ हम लोग मान के जाएंगे। धन्यवाद जी सर। आज यहाँ पर सेवा शिविर का आयोजन किया गया आप लोगों के द्वारा, तो शिव भक्तों के लिए और कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और उसके बाद जो हमारे शिव भक्त पूरे देश से यहाँ पहुँचे हैं, हमने एक प्रयास किया, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं इस पावन पर्व पर देना चाहते हैं। और जो आपने एक प्रयास किया है यहाँ पे कि उनको सुलभ शौचालय और उनके खान पान का, स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखा गया है, कोशिश की है, प्रयास किया है अपने माध्यम से। और वहाँ अभी क्योंकि जिला पंचायत के भी द्वारा जनपद हरिद्वार में जगह जगह हमारे रुड़की में भी इससे पहले शिविर चल रहा था, और क्योंकि यहाँ पर इसके बाद मानकी एक हमारा प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर, क्योंकि हमारे विचार में था कि भाई हमारे गांव है, मेरा ये मूलतः लखनौता गांव है और यहाँ मेरा फार्म है, ये तो बेटा जिला पंचायत सदस्य है, तो हमारा फर्ज था कि यहाँ भी हम उन्हें सेवा उपलब्ध कराएं। तो इसलिए हमने ये आयोजन किया और उसमें अपने सभी सम्मानित जनों को कहा कि सब मिलकर भोलों की सेवा करें। ये लगभग 3-4 दिन से लगातार चल रहा है और ये व्यवस्था हमने देने का काम किया है। हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो भोले भंडारी जी का, हमारा पूरा महीना कांवड़ यात्रा का चल रहा है, उसमें जो हमारे कांवड़ यात्रा आ रही है उनकी सेवा के लिए ये भंडारा वितरित किए गया है। जी, वो हमारे भंडारे के संचालन कर रहे हैं, मेरे श्रीमती अशोक कुमार जी हैं, मेरा बेटा अंशुल चौधरी है, और हम सब आसपास के लोगों ने मिलकर इस भंडारे का काम कर रहे हैं। सर, आगे का प्लान क्या है? मंदिर में जाने वाले हैं आप जल अभिषेक करने? हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा मंदिर तो रोज ही जाना होता है, लेकिन आज एक विशेष है, सावन का महीना चल रहा है, हम भोले भंडारे जी अपने भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि ये भोले बाबा इस जिले का, इस प्रदेश का, इस दुनिया का अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से सुख समृद्धि इस देश में आए। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो उन्होंने इस उन्नति की रेस में लगा रखी है, वह कम ना हो, उस रेस को दोबारा से ऐसे ही चलती रहे।
सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जिला पंचायत को जो भी कार्य मिले थे उसमें से 90% जो कार्य है वो सब पूर्ण हो चुके हैं, और ऐसी सुविधा कावड़ पटरी पर इस बार बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिली है, तो पहले भी ऐसा हुआ है? देख बेटा, मुझे तो पहले का नहीं पता, लेकिन मुझे अब का पता। जब मेरे हाथ में बागडोर आई, मैंने खुद ये निश्चय किया था कि जितना भी गांव का क्षेत्र होगा, पंचायत का क्षेत्र होगा, उसमें हम साफ सुथरा, वहाँ से जितने हमारे कावड़ वाले आएंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। सर, जैसे अभी कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है और हरिद्वार के हालात सबको पता है, जगह जगह पानी भर रहा है, तो जिला पंचायत का उसमें कुछ योगदान रहने वाला है? मैं खुद से, हम जब से बारिश हो रही है, कभी खानपुर, कभी लक्षर, कभी लंढोरा वाला क्षेत्र, कभी पीछे घाट वाला क्षेत्र, मेरे लगातार दौरे चल रहे हैं, और मेरे पीछे मेरी पूरी सरकार है जो मुझको बार बार कहती है कि वहाँ देखा, वहाँ देखा, उनकी पूरी तरह से इस क्षेत्र पर नज़र है। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी वहाँ से हमारा पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एताना था, कोई दिक्कत नहीं होने देने के, कोई बड़ी ट्रेजडी नहीं होने देने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा आज लखनौता गांव में यहाँ पर एक सेवा शिविर लगाया गया था और हमने उनसे बातचीत की इस विषय के लेकर। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं आकांक्षा चौहान, कैमरामैन जय राजपूत के साथ, धन्यवाद।